हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। फिर वो चाहे हमारी शुगर इंडस्ट्री हो, डिस्लरी हो, स्लो फायर्ड बॉयलर हो, या हमारी हनी इंडस्ट्री हो, इन सब में इस पैरामीटर का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, जो कि है हमारा ब्रिक्स मेजरमेंट। और ब्रिक्स मेजरमेंट के साथ साथ आज हम बात करेंगे इसकी कंट्रोलिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो जो ब्रिक्स पैरामीटर होता है हमारा, उसको डिटेल में समझने के लिए हमने कुछ कंटेंट बनाए हैं। उस कंटेंट के अकॉर्डिंग आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कंटेंट है वो हमारा इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन पे है, जिसमें हम ये बात करेंगे कि ब्रिक्स ट्रांसमीटर क्या होता है, ब्रिक्स सेंसर क्या होता है, उसका क्या मतलब है। दूसरा, हम मेजरिंग टेक्निक्स की बात करेंगे कि हमारी इंडस्ट्री में कौन कौन से तरीके ऐसे अप्लाई किए जाते हैं जिसके थ्रू हम ब्रिक्स का मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल, जिन टेक्निक्स के थ्रू हम ब्रिक्स का मेजरमेंट करते हैं उनका प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद हम डिपेंडेंसी की बात करेंगे कि जो ब्रिक्स सेंसर होता है या ब्रिक्स मेजरमेंट होता है वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे उससे कंट्रोलिंग की, कि ब्रिक्स को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम उसके मेंटेनेंस की बात करेंगे कि ब्रिक्स ट्रांसमीटर है या ब्रिक्स सेंसर है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए चलाने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो उनकी जो लाइफ है वो लॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट करती रहे। उसके बाद हम ट्रबल शूटिंग की बात करेंगे कि अगर ब्रिक्स सेंसर में, ब्रिक्स ट्रांसमीटर के रीडिंग में अगर किसी भी तरीके का कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को हम ट्रबल शूट किस तरीके से करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एर्थ पॉइंट जो है हमारा, वो है कैलिब्रेशन का। जो ब्रिक्स ट्रांसमीटर हमने अपनी फैक्ट्री में, अपने फील्ड में इंस्टॉल कर रखा है, उसे प्रॉपर तरीके से किस तरीके से हम कैलिब्रेट करेंगे। तो आइए अब हम इन्हीं चीजों पे समझ लेते हैं कि हमारा ब्रिक्स सेंसर क्या होता है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक कि ये ब्रिक्स सेंसर क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब होता है टोटल सॉलिड्स इन द जूस। मतलब हमारे कोई भी जूस या कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सोल्यूशन हमारे पास है, उसके अंदर टोटल सॉलिड्स कितने हैं। अगर उस चीज को हम मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उस मेजरमेंट की जो प्रोसेस होगी या उसकी जो यूनिट होगी वो ब्रिक्स होगी। अब इसका एक दूसरा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जैसे आपको मिल जाता है 1 डिग्री ब्रिक्स अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है। तो इसका ये मतलब हुआ, अगर हमारे पास कोई कंटेनर है उसके अंदर 100 ग्राम का आपका 100 ग्राम का मान लीजिए हमारे पास कोई सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन के अंदर 1 ग्राम हमारा जो है सुक्रोज है, तो इसका जो मेजरमेंट होगा या इसकी जो वैल्यू को हम बोलेंगे वो बोलेंगे 1 डिग्री ब्रिक्स। और अगर इसको एक लाइन में अगर हम एज ए डेफिनेशन को बताना चाहें तो 1 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन वो होता है हमारा 1 डिग्री ब्रिक्स। और ब्रिक्स जो होता है हमारा वो टोटल सॉलिड्स होती है, जैसे हमारा सुक्रोज एज वेल एज नॉन सुक्रोज का जो मेजरमेंट होता है वो कहलाता है हमारा ब्रिक्स। तो ये तो हुई हमारे इंट्रोडक्शन की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मेजरिंग टेक्निक्स, मेजरिंग हम किस किस तरीके से इसका मेजरमेंट करते हैं। तो इसका मेजरमेंट करने के लिए जो सबसे पहला मेथड हमारा यूज होता है वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। दूसरा होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तीसरा आता है हमारा एचआर ब्रिक्स जिसे हम रिफ्रैक्टोमीटर भी बोलते हैं, मैनुअल रिफ्रैक्टोमीटर। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा ऑनलाइन मेजरमेंट। ऑनलाइन मेजरमेंट में क्या होता है, जैसे ये जो तीनों मेथड होते हैं ये मैनुअली होते हैं, या फिर तो हम इसे लैब में कर रहे होंगे या फिर हम इसे मैनुअली ऑपरेट करते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन मेजरमेंट होता है उसके लिए हम एक लाइन में, मान लीजिए हमने एक सेंसर लगा दिया, उसका एक ट्रांसमीटर हमने अपना फील्ड में लगा दिया, तो वो क्या करेगा, कॉन्स्टेंट रीडिंग प्रोवाइड कराता रहेगा। हर एक सेकेंड की, हर एक मिनट की जो ब्रिक्स चल रही होगी वो कॉन्स्टेंट रीडिंग हमें मिलती रहेगी। तो इस तरीके के सेंसर को हम बोलते हैं ऑनलाइन सेंसर, जिसमें से हमारा जो दो तरीके के सेंसर हमारे इंडस्ट्री में ब्रॉडली यूज किए जाते हैं, जिसमें से पहला होता है हमारा कंडक्टिविटी या रेजिस्टेंस मेथड। दूसरा होता है हमारा माइक्रोवेव। हम माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी के थ्रू भी हम ब्रिक्स का मेजरमेंट करते हैं। तो ये हमारे मेजरिंग टेक्निक्स में देखा जाए तो 4 तरीके की मेन टेक्निक्स हमारी जो इंडस्ट्री में यूज होती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या क्या है। अब जैसे हमारे सामने ये 4
टेक्निक्स दी हुई हैं, अगर इनको मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आज हम जिन टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं वो है हमारा फोर्थ नंबर का पॉइंट, ऑनलाइन मेजरमेंट टेक्निक। ऑनलाइन मेजरमेंट टेक्निक हमारे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली टेक्निक होती है और सिर्फ इसी टेक्निक की मदद से हम कंट्रोलिंग कर पाते हैं। बाकी तीनों मेथड्स जो है इनका यूज करके हम ब्रिक्स का तो पता कर सकते हैं लेकिन कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। अगर हम ब्रिक्स को कंट्रोल भी करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें ऑनलाइन मेजरमेंट टेक्निक ही यूज करनी पड़ती है। बट फिर भी मैं आपको कम शब्दों में बता देता हूँ इनके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड होती है, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता था, वो हमारा था स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जैसे कि हमारे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर टोटल सॉलिड्स को हम ब्रिक्स बोल रहे हैं, तो उस टोटल सॉलिड्स की ब्रिक्स के होने की वजह से उसमें एक ग्रेविटी भी आ जाती है। इस ग्रेविटी मेथड को चेक करने के लिए हम हाइड्रोमीटर, एक हमारा सेंसर होता है, उसके थ्रू हम इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करते हैं जिसके थ्रू हमें ब्रिक्स का पता चल जाता है। दूसरा होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेथड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेथड जो होता है वो हमारे स्नेल्स लॉ पे काम करता है। जैसे कि हमने अपने पहले पढ़ा होगा, ये हमारा दो मीडियम है, जैसे मान लीजिए ये N2 मीडियम है, ये हमारा N1 मीडियम है। अब हमारी रे ऑफ लाइट, इसमें जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लाइट की रे का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक मीडियम जो N1 था, चाहे वो वैक्यूम मान लीजिए या स्पेस मान लीजिए, इसके थ्रू हमने ट्रेवल कराया। यहाँ पे उसका एंगल था θ1। अब जैसे ही ये मान लीजिए कोई मीडियम है, अब मीडियम आपका जैसे आप मोलासेस ही मान लीजिए, अगर हम मोलासेस के अंदर से किसी भी रे को पास कराते हैं तो वो कुछ बेंड हो जाएगी। ये बेंडिंग का मान लीजिए ये θ2 हो गया। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन θ1 अपॉन साइन θ2 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। N1 जहां पे N1 और N2 जो है हमारे मीडियम है, जैसे मान लीजिए ये स्पेस है और ये हमारा हो गया मोलासेस। जब भी हम लाइट की रे को स्पेस से पास कराएंगे, मान लीजिए एंगल हमारा 45 डिग्री था, और जैसे ही वो मोलासेस के अंदर गई तो उसका एंगल बचेगा 30 डिग्री। तो इस मेथड के थ्रू हम जो है ब्रिक्स का मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा HR ब्रिक्स, या जो हमारा मैनुअल रिफ्रैक्टोमीटर होता है, जैसा कि आप हमारे फोटो में देख पा रहे हैं, ये एक सेंसर होता है, मैनुअल सेंसर। इसके सेंसर टिप जो कि आपको पॉइंट में दिख रहा है, उसके ऊपर हम एक ड्रॉप डाल देते हैं किसी भी सोल्यूशन की, और उसके बाद इस तरीके से आंख में लगाकर देखते हैं तो हमें इस तरीके की एक जो है एक रीडिंग स्केल दिखाई देती है, जो कि हमारी एक कलर है, एक कलर्ड है और दूसरी कलरलेस है। तो इसके बीच का जो डेड पॉइंट है, वो डेड पॉइंट जो होता है वो हमारे डिग्री ब्रिक्स को शो करता है। लेकिन फिर से मैं बताता हूँ, जैसे मैंने मैनुअली चेक कर लिया लेकिन मैं कंट्रोलिंग नहीं कर पा रहा हूँ, कंट्रोलिंग के लिए या फिर तो मेरा एक ऑपरेटर जाएगा मैनुअली, वो कोई वॉल्व खोलेगा, चाहे वो पानी का हो चाहे वो सिरप का हो, उसके थ्रू वो कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो हमारी ब्रिक्स, तो उसके लिए हमें ऑनलाइन मेजरमेंट में जाना पड़ता है। तो आइए अब हम समझ लेते हैं ऑनलाइन मेजरमेंट का जो दो हमारे पास प्रोसेस या दो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं उनका प्रिंसिपल क्या है। अब हम मान लेते हैं कि हमारी फील्ड में एक माइक्रोवेव मेजरमेंट टाइप का हमारा एक ब्रिक्स सेंसर जो है हमारी फील्ड में लगा हुआ है, तो उसका प्रिंसिपल क्या होगा। जैसा कि आप हमारे फोटो में ही देख पा रहे हैं, ये हमारा मान लीजिए कंट्रोलर हो गया, यहाँ पे ये हमारा एक फ्लैंज है, इस फ्लैंज के बाद हमारी ये दो टिप निकलती है, ये दोनों हमारी सेंसर की टिप हो गई। अब ये जो दोनों आपको जो सेंसर की टिप दिख रही है, इनमें से एक हमारा ट्रांसमीटर की होती है, एक हमारी रिसीवर की होती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे माइक्रोवेव का क्या मतलब हुआ, माइक्रोवेव जो क्या होता है, जो लो एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उन्हीं को हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव सिग्नल्स बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सेंसर में हम लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को, जैसा कि आप हमारे फिगर में भी देख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारी ये ट्रांसमीटर की हो गई, ये हमारा रिसीवर हो गया, तो यहाँ से ये हमारी लो वेव फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई नॉर्मल कंडीशन में, जब यहाँ पे इन दोनों प्रोब्स के बीच में कुछ नहीं था। लेकिन अभी हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे एक मीडियम आ गया, मान लेते हैं वो सिरप है या मोलासेस है, मैस्केट है, कुछ भी है, जैसे ही वो हमारे यहाँ पे आएगा तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी
जो नॉर्मल अभी इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए 10 का चल रहा था, वो जैसे ही इस सब्सटेंस के अराउंड में आएंगे तो वो प्रोपागेशन उनका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जैसा कि आप हमारे फिगर में देख ही पा रहे हैं। यहां पर क्या हुआ, हमारे जो लो एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो निकल रही थी उनका माइक मान लीजिए जो एम्पलीट्यूड था वो 10 का था, यहां पर आते आते इनका एम्पलीट्यूड हो गया 20 का। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप खुद से लाइव में करके देख सकते हैं। आप एक पानी लीजिए, एक बाल्टी में पानी भरिए, उसमें अपने घर की जो टॉर्च हो या आपके पास कोई लेजर लाइट हो, पानी में उसमें रेस को ऑन कीजिए, तो जैसे ही आप देखेंगे हमारी जो लाइट की बीम्स होती हैं बिल्कुल स्ट्रेट चलेंगी जबकि वो हवा में होंगी, लेकिन जैसे ही वो पानी से टकराएंगी तो उनकी रेस जो है एक एंगल पे डिफेक्ट हो जाएंगी। तो जो आपको जो हमारी लाइट की जो रेस होंगी वो बाल्टी की बॉटम साइड में किसी दूसरे एंगल पे दिख रही होंगी, तो उसी तरीके से इसकी जो रेस होती है वो भी हमारे डिफ्लेक्शन पैदा करती हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक तो हमारा एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, दूसरा हमारा जो फेस है वो फेस शिफ्ट हो गया। तो इन दोनों की चेंजेस की वजह से जो हमारे एक एम्पलीट्यूड में जो चेंज आता है उसी को हमारा माइक्रो प्रोसेसर का जो उसमें सर्किट होता है वो उसे ब्रिक्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें ब्रिक्स का मेजरमेंट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी के थ्रू या माइक्रोवेव सिग्नल के थ्रू हमें मिल जाता है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल माइक्रोवेव ब्रिक्स मेजरमेंट का, कंडक्टिविटी बेस्ड ब्रिक्स ट्रांसमीटर। अब हम समझ लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। जैसा कि आप हमारे फोटो में देख पा रहे हैं, इसमें आपको एक सेंसर दिख रहा है, इसके पहले एक सिलेंडर है, सिलेंडर के आगे हमारी एक प्रोब है और प्रोब के आगे एक हमारा सेंसर लगा हुआ है। जो सेंसर लगा हुआ है उसको हम 2 mA के रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के थ्रू उसे चार्ज करते हैं और वहां से हमारी केबल आती है जो कि हमारे कंट्रोलर में जुड़ी हुई होती है। जब भी हम कंट्रोलर में उस सिग्नल को चेक करेंगे तो वो हमें एज ए रेजिस्टेंस की फॉर्म में मिलता है। जब हमारे पास इनपुट सिग्नल रेजिस्टेंस में आ रहा है तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो कंडक्टिविटी बेस्ड है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हमारे किसी भी सोल्यूशन में हमारी ब्रिक्स कम या ज्यादा होती है तो उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो उसकी कंडक्टिविटी पे पड़ता है। अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमारी ब्रिक्स है, ब्रिक्स जैसे ही हमारी जो ब्रिक्स है वो बढ़ना शुरू होगी तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है डीसी, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, वो हमारा कम होने लगता है। तो जैसे जैसे हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमारा कम होगा उसी के प्रोपोर्शनली हमारी जो कंडक्टिविटी है वो भी हमारी कम हो जाएगी। और हम सभी जानते हैं कंडक्टिविटी अगर हमारी कम हो रही है तो उसके प्रोपोर्शनली हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज करने लगता है, इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो यहां से हम कह सकते हैं ब्रिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ओम। अब हमने यहाँ पे कंडक्टिविटी की जगह पे रेजिस्टेंस से मेजरमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंडक्टिविटी के मेजरमेंट के लिए एक तो हमें अपने जो ट्रांसमीटर है उसकी असेंबली को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। और कंडक्टिविटी ऑलरेडी अगर यहाँ पे हमारी कम हो रही है, ब्रिक्स तो बढ़ रही है लेकिन कंडक्टिविटी कम हो रही है, तो उसका एक एक्यूरेट मेजरमेंट हमें नहीं मिल पाता है, इसलिए हम उसको मेजर करने के लिए हम रेजिस्टेंस का यूज कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डीसी, ये क्या चीज होती है, अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए हमने मैग्नेट ले ली, एन एस। अब मान लीजिए दो मैग्नेट्स को मैंने यहां पे ऐसे रखा हुआ है और मैं धीरे धीरे इनको पास में ला रहा हूं तो कुछ दूर के बाद ये खट से चिपक जाएंगी, मतलब इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में एक फोर्स लग रहा है जो उनकी डिस्टेंस को कम होते ही उसने आपस में एक दूसरे को चिपका लिया, अट्रैक्ट कर लिया। अब मान लीजिए इसी मैग्नेट को अगर मैं पानी में रख दूं, जैसे मान लीजिए इस मैग्नेट को पास लाते लाते तो जैसे ही उसका 70 mm हमारा बीच की डिस्टेंस हुई, इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, उस समय हमारे जो फोर्स लग रहा था वो 100 mm का लग रहा था। अब मान लेते हैं इसी को अभी तक ये हमारे एयर में था, नॉर्मल हमारी कंडीशन जो थी वो एयर में थी, अब इन्हीं चुंबक को मैं पानी में रख देता हूँ, पानी में रखकर धीरे धीरे फिर से एक दूसरे को पास लाना शुरू करता हूँ, तो जो पहली एयर की कंडीशन में 70 mm में एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर चिपक गई थी, अब वो पानी के केस में हो सकता है वो 50 mm पे आने के बाद वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो। उसके बाद हमने उसको रख लिया एक बार मान लीजिए मोलासस के अंदर, जैसे ही हमने मोलासस में रखा तो इन दोनों की अट्रैक्शन की जो स्पीड थी मान लीजिए वो 10 mm पे आने आने के बाद वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो पा रही है। कहने का मतलब है पहले तो इसे 100 न्यूटन का इसमें फोर्स लग रहा था, 50 मीटर में आया तो मान लीजिए इसका 70 न्यूटन फोर्स बचा,
10 में आने के तक इसकी जो फोर्स, जो आपस में अट्रैक्शन की जो फोर्स थी, वो मान लीजिए 20 न्यूटन ही बचा। इसका मतलब जब भी हम किसी भी दो चार्जेस को या दो मैग्नेट्स को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रखते हैं, तो उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स जो है हमारा वो कम हो जाता है। तो जो ये जो लगने का फोर्स कम जो हो रही है हमारी, यही कहलाती है हमारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब जैसे मान लीजिए, अब अगर मैं इसको अपना फॉर्मूला इजी करने के लिए मैं इसे 50 मान लेता हूँ कि यहाँ पे तो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पे जो हमारे 20 का लग रहा था, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 5। कैसे निकला? ये मीडियम, एयर मीडियम डिवाइडेड बाय ये मान लीजिए हमारा वाटर था, वाटर, यही तो हुआ ना। देखिए 100 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स टू 2, ये हमारा आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यही हमारा स्टैंडर्ड इसका फॉर्मूला भी है, यही हमारा जो है इसकी डेफिनेशन भी है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक मीडियम में लगने वाले फोर्स को डिवाइडेड बाय दूसरे मीडियम में लगने वाला फोर्स, यही हमारा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब जैसे जैसे हमारी ब्रिक्स बढ़ेगी, उसके अंदर टोटल सॉलिड्स बढ़ेंगे, उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, इन सब की वजह से क्या होगा, हमारा जो इस पे जो लगने वाला फोर्स है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, वो बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन पावर कम होती रहेगी। अब जो हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा तो उसकी हमारी कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी कम होगी तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो हमारा जो ट्रांसमीटर और सेंसर के बीच में हमारी केबल जो पड़ी होगी वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के थ्रू काम कर रही होगी। तो ये प्रिंसिपल होता है हमारा कंडक्टिविटी बेस्ड ब्रिक्स ट्रांसमीटर का। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिपेंडेंसी की, कि ब्रिक्स ट्रांसमीटर किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। तो वैसे तो ब्रिक्स ट्रांसमीटर जो होता है हमारा वो कई चीजों पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे अगर मेन डिपेंडेंसी की बात करें, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो इसकी मॉइस्चर, दूसरा होता है हमारा टेम्परेचर के केस में। अगर हमारे कोई भी सोल्यूशन है जिसको हमारा 68 डिग्री ब्रिक्स मान लीजिए वो दिखा रहा है, और उसका मॉइस्चर अगर बढ़ जाए, तो अगर जैसे ही उसका मॉइस्चर बढ़ेगा तो इसका जो ब्रिक्स जो है वो डाउन हो जाएगी, मान लीजिए उसके बाद 65 डिग्री ब्रिक्स ही बचेगा। मॉइस्चर और बढ़ जाता है तो ये 50 डिग्री ब्रिक्स मान लीजिए बचा। तो इसका मतलब जब भी किसी सोल्यूशन के अंदर अगर हमारा मॉइस्चर बढ़ता है तो ब्रिक्स हमारा डाउन होगा, मॉइस्चर कम होता है तो ब्रिक्स हमारा बढ़ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर के केस में। टेम्परेचर का क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी सब्सटेंस है वो कोल्ड कंडीशन में उसका जो ब्रिक्स जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू रूम टेम्परेचर। अब ये रूम टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर का देखिए स्टैंडर्ड जो रीडिंग होती है ऑल ओवर वर्ल्ड वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड मानी जाती है, और हमारे जो इंडिया के लिए जो हम रूम टेम्परेचर मानते हैं वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं। तो मान लीजिए कोई भी हमारा ब्रिक्स का सोल्यूशन है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 68 डिग्री ब्रिक्स दिखा रहा है, और अगर इसका टेम्परेचर हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो इसका जो ब्रिक्स होगी हमारी वो 58-57 डिग्री ब्रिक्स ही बचेगी। बट यहाँ पर एक कंडीशन और बनती है, अब जैसे मान लीजिए रूम टेम्परेचर की कंडीशन में तो हमारा ब्रिक्स जो है बढ़ रही है, लेकिन अगर इसको हम टेम्परेचर और राइज करते रहे तो जो सोल्यूशन के अंदर जो वाटर है वो वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो वेपोराइज होना शुरू होगा तो हमारी ब्रिक्स जो होगी वो ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, ये जो होती हैं दो चीजें हमारे ब्रिक्स के मेजरमेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। और अब अपना हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, हमारी कंट्रोलिंग, कि किसी भी प्लांट में या किसी भी टैंक में अगर हमें किसी सोल्यूशन का ब्रिक्स अगर मेंटेन करना है तो हम किस तरीके से करते हैं। कंट्रोलिंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक क्लोज्ड पैन वेसल है, यहाँ पे हमारा एक ब्रिक्स ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ब्रिक्स ट्रांसमीटर, मान लीजिए इसकी रीडिंग 68 डिग्री सेंटीग्रेड चल रही है, और यहाँ पे हमारा एक कंट्रोल वॉल्व लगा हुआ है। अभी हमारी कंडीशन क्या है कि इस पैन के अंदर हमें जो ब्रिक्स है वो 68 डिग्री ब्रिक्स को मेंटेन रखना है फॉर एग्जांपल। अब क्या होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड पैन वेसल है, इसके अंदर स्टीम लगाई जा रही होगी, इसका टेम्परेचर राइज किया जा रहा होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इस सोल्यूशन के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो टेम्परेचर हीट को पाकर धीरे धीरे वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा। जब वो धीरे धीरे वेपोराइज होना शुरू होगा तो इसकी ब्रिक्स धीरे धीरे, मान लीजिए 68 थी वो 65 बचेगी,
और वेपोराइजेशन बढ़ेगा तो 63 बचेगी, और वेपोराइजेशन बढ़ेगा तो वो 60 डिग्री ही बचेगी। अब हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि ब्रिक्स को हमें 68 डिग्री पे मेंटेन रखना है। तो उस टाइम पर क्या होगा, ब्रिक्स ट्रांसमीटर जो कि अभी तक हमारा एज ए इंडिकेशन कितना काम कर रहा था, यहां से एक 4 to 20 mA का एक सिग्नल जनरेट होगा जो कि हमारे इस कंट्रोल वॉल के लिए पहुंच जाएगा। अब जैसे मान लीजिए, जैसे ही 68 डिग्री से नीचे ब्रिक्स चलना शुरू हुआ, तो ये हमारा मान लीजिए फीड वॉल है। फीड वॉल जैसे पैन के केस में, यहाँ पे अगर हम मोलासेस या मैस्केट या सिरप का यूज कर रहे हैं तो ये हमारा फीड वॉल एज ए सिरप की तरह ही यूज होगा। जैसे ही ब्रिक्स नीचे जाने लगी, ये वॉल धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो जाएगा। जब ये ओपन होगा तो इसका जो फीड लाइन होगी उसका डायरेक्शन ये होगा, इसके अंदर हमें फीड प्रोवाइड कराता रहेगा। तो जैसे ही 65 डिग्री ब्रिक्स हुई, कंट्रोल वॉल ने ओपन किया, इस ब्रिक्स को फिर से बढ़ा दिया। अब मान लीजिए 68 डिग्री ब्रिक्स हमें मेंटेन रखनी थी, वो 69 70 तक पहुंचने लगी, तो ये कंट्रोल वॉल क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी ब्रिक्स जो होगी वो 68 डिग्री पे मेंटेन रहेगी। अब इसी के केस में मान लेते हैं कोई दूसरा सोल्यूशन, कि यहाँ पे हमें ब्रिक्स को मेंटेन रखना है वाटर के साथ, तो सेम वही होगा हमारा। जैसे ही ब्रिक्स डाउन होगी, ब्रिक्स ट्रांसमीटर से एक आउटपुट निकलेगा कंट्रोल वॉल के लिए कि वॉल ओपन हो जाओ, नीचे से जो पानी होगा वो हमारे एक टैंक में पहुंचता रहेगा और हमारे ब्रिक्स को मेंटेन रखेगा। तो ये प्रोसेस होती है हमारे किसी भी पैन की या किसी भी सॉल्यूशन की, कि किस तरीके से हम ब्रिक्स की कंट्रोलिंग करते हैं। अब हम समझ लेते हैं उनका उसका नेक्स्ट पार्ट, मेंटेनेंस। देखिए, ब्रिक्स जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव पैरामीटर होता है, इसके प्रॉपर एक्यूरेट रीडिंग के लिए हमें उसका प्रॉपर मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए जो ब्रिक्स के सेंसर हमने आपको दो बताए थे, तो इन दोनों के जो सेंसर टिप होती है, अगर मान लीजिए उसमें हमारी शुगर कंटेमिनेट हो जाती है या शुगर उसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, तो क्या होगा, हमारी एक प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब भी हमारा ट्रांसमीटर शुगर को या सुक्रोज को मेजर करेगा तो उसके जो सेंसर में जो चीनी चिपकी हुई है उसको भी वो ऐड कर लेगा। इसके लिए हमें उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करवानी पड़ती है। तो क्लीनिंग के लिए आजकल के जो हमारे सोल्यूशंस आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, वो ऑटो क्लीनिंग अरेंजमेंट के साथ आते हैं। तो जैसे ही डिपोजिशन हुआ, जो हमारा ऑटो क्लीनिंग सिस्टम होता है वो एक टाइमर बेस्ड सिस्टम होता है, जो हमारे हर 10 मिनट पे, 5 मिनट पे या जो कुछ भी टाइम हम सेट कर देंगे उसके हिसाब से वो सेंसर को क्लीन करता रहेगा, जिसके थ्रू हमें प्रॉपर जो एक एक्यूरेट रीडिंग है वो मिलती रहेगी। दूसरा, जो हमारा जहाँ पे जो सेंसर लगा हुआ है वहाँ पे हमारी मॉइस्चर कंडीशंस ना बने, क्योंकि हमारा सेंसर जो होता है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कार्ड होता है, अगर उनमें हमारा कोई भी मॉइस्चर बनता है या हमारे अंदर उसके अंदर डस्ट डिपॉजिट होना स्टार्ट होती है, शुगर डिपॉजिट होना स्टार्ट होती है, तो क्या होगा, हमारा कार्ड ही फेलुअर हो सकता है। इसके साथ साथ हमारी जो केबल होती है, केबल हमारी एक प्रॉपर ट्रे के साथ हमारे ट्रांसमीटर के साथ ऐड होनी चाहिए, ताकि कोई भी कोई गर्म लाइन आसपास से निकल रही हो उससे हमारी केबल टच होके डैमेज ना हो। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है फॉर प्रॉपर मेंटेनिंग द ब्रिक्स सेंसर रीडिंग्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उसके ट्रबल शूटिंग की। तो ट्रबल शूटिंग हमारा मेंटेनेंस के जैसा ही होगा, कि अगर मान लीजिए हमारे किसी भी सेंसर में रीडिंग हमारी गलत आ रही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हैं? हम उसका कैलिब्रेशन करेंगे एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ, या फिर अगर हम उस सेंसर को उस प्लेस से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, फिर हमें उसका कैलिब्रेशन भी करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक सैंपल पॉइंट से एक सैंपल निकाल लेंगे। उस सैंपल को चाहे हम लैब से टेस्ट करा लें, या जो हमारा रिफ्रेक्टोमीटर है, मैनुअल रिफ्रेक्टोमीटर, उसके थ्रू हम अपनी उसकी रीडिंग चेक करें और उसके बाद हम कैलिब्रेशन कर दें उसका। तो उस तरीके से हम उसका कैलिब्रेशन कर लेंगे। कैलिब्रेशन करने के बाद भी अगर हमारी रीडिंग प्रॉपर नहीं आ रही है, तो उस सेंसर को हम बाहर निकालेंगे, प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे, देखेंगे कि वो सेंसर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसमें जो हमारी प्लग एंड प्ले वाली जो केबल्स लगी हुई हैं उनको बाहर निकालेंगे, साफ करेंगे, सीआरसी वगैरह डाल के उसे दोबारा लगा देंगे। तो बेसिकली यही हमारा होता है ब्रिक्स ट्रांसमीटर का ट्रबल शूटिंग। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके कैलिब्रेशन के बारे में। तो इसका कैलिब्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों तरीके से करके दिखाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।